वेलकम टू माय चैनल। आज कहकशा खान किचन में मैं बनाने जा रही हूँ हलवाई स्टाइल में गुलाब जामुन की रेसिपी। और गुलाब जामुन आपको पता ही है कि एक ऐसी मिठाई है जो हर किसी को पसंद आती है। शादी हो या पार्टी हो या कोई भी दावत हो, ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग गुलाब जामुन उसमें शामिल ना करें मिठाई में। फिर बिना देर करे हम हलवाई स्टाइल में गुलाब जामुन की रेसिपी आपके साथ में शेयर करते हैं। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आधी कटोरी मैंने यहाँ पर सूजी ले ली है। सूजी हमने बारीक ली है तो इसे हमें ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सूजी आप थोड़ी मोटी लेते हैं, दरदरी सी लेते हैं, तो आप इसे एक बार ग्राइंड ज़रूर कर लेना। थोड़ा सा इसे बारीक फॉर्म में लेकर आइएगा। तो अब हम सूजी को कर लेंगे एक अलग बड़े बाउल में। वैसे तो गुलाब जामुन की रेसिपी हर किसी की एक अपनी अलग स्टाइल में होती है, और इसे लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कोई सूजी से, कोई मैदा से, तो फिर कोई मिल्क पाउडर से। लेकिन आज मैं आपको सूजी से बनाना सिखाऊंगी। सूजी से बहुत जल्दी फटाफट से बनके तैयार हो जाते हैं और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे आपको। अब हम सूजी के अंदर ऐड करेंगे खाने वाला सोडा 1/4 चम्मच, क्योंकि हमने जो सूजी ली है वो भी सिर्फ आधी कटोरी ही ली है, तो इसलिए 1/4 चम्मच इसमें जाएगा खाने वाला सोडा। और अगर आप सूजी की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो तब आप इसमें मीठे सोडे को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे आधी कटोरी ली है इसलिए हमने इसमें 1/4 चम्मच ऐड किया है। और अब हम बिना गैस जलाए ही इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। तो मिल्क यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुनगुना सा लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और ना ही एकदम मतलब चिल्ड है, ये फ्रिज का निकला हुआ, तो हल्का गुनगुना सा हमने इसे लेना है। और थोड़ा थोड़ा ऐड करके हम इसका एक डो बना लेंगे। जैसा कि रोटी बनाते टाइम हम आटे का डो बना के रख लेते हैं, तो उसी तरीके से हमने इसका एक परफेक्ट डो बनाना है। और बस थोड़ा सा हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मिल्क है वो एकदम से हमने इसमें डाल के नहीं इसे मतलब गूंथना है, ठीक है। हमने मतलब थोड़ा थोड़ा सा ही इसमें ऐड करते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर लेंगे 1/2 चम्मच के आसपास, ठीक है। इसे डालने से जो गुलाब जामुन रहेंगे वो अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगे आपके। वैसे तो गुलाब जामुन बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, और बिना किसी झंझट के आप इसे घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं। लेकिन बस जो ध्यान देने वाली बात होती है वो सिर्फ ये है कि हमें इसमें कितनी मात्रा में क्या चीज़ ऐड करनी है। अगर थोड़ी सी भी इधर से उधर होती है आपकी, मतलब जो भी आप इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके गुलाब जामुन ख़राब हो सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक और पूरी देखिएगा ताकि आपको हर तरीके से पता चल पाए कि इसे हम किस तरीके से बना रहे हैं। तो देखिए, अब हमने इसे ना बिल्कुल परफेक्ट और बढ़िया सा इसका डो बना के तैयार कर लिया है, तो इसी तरीके का हमें ये चाहिए था। और अब हम इसके गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप है ना अपने हिसाब से इनके साइज़ को घटा और बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ ले रही हूँ क्योंकि बनने के बाद में ये थोड़े से मतलब बड़े हो जाते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सही साइज़ लिया है मैंने, ना ज़्यादा छोटा ना ही ज़्यादा बड़ा। तो बस इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामुन को बनाकर एक अलग प्लेट में रख लेंगे पहले। और ये गोलियां बनाते टाइम भी हमें बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हाथ एकदम सूखा नहीं रखना, नहीं तो ये चिपक जाएंगी आपके हाथ में। बस हल्के हाथ से हम इसमें थोड़ा सा मतलब पानी लगाते रहेंगे और इनको राउंड शेप देते रहेंगे। देखिए, अब हमने ये सारी गोलियां बना के एक अलग प्लेट में रख ली हैं। और अब हम बिना देर करे गैस ऑन करेंगे और फटाफट से इसमें पैन रख देंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच भर के रिफाइंड डाल देंगे। तो आप गुलाब जामुन को घी में भी बना सकते हैं, रिफाइंड में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर रिफाइंड में बनाने जा रही हूँ। और तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें एक एक करके सारी गोलियां ऐड कर देंगे इसमें। और ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम आपका मीडियम ही रहे, ठीक है, हाई ना करें, नहीं तो ये फटाफट से ऊपर से जल जाएंगे और अंदर कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए हमने फ्लेम मीडियम करके ही इन सारी गोलियों को अच्छे से फ्राई करना है। तो देखिए, ये हमारी नीचे की तरफ से अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इन्हें पलट देते हैं, दूसरी साइड से इन्हें अच्छे से सेक लेंगे। तो जब तक ये सिक रहे हैं हम फटाफट से बना लेते हैं इसके लिए चाशनी, क्योंकि हमें ना ये गुलाब जामुन ठंडे होकर चाशनी में नहीं डालने, थोड़े से गर्मा गर्म ही हम इसे चाशनी में ऐड करेंगे। तो चाशनी बनाना हम दूसरी तरफ स्टार्ट कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक अलग बर्तन ले लिया है और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो पानी नहीं लग रहा, ये तो चाशनी ही लग रही है बनी बनाई, तो आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी 2 घंटे पहले भी गुलाब जामुन बनाए थे तो ये उसी की चाशनी बची हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये इसमें ही मतलब ऐड कर दूँ। बाकी अलग से चाशनी बनाने के लिए हम आधी कटोरी सूजी के लिए
आधा लीटर ही पानी ऐड करेंगे इसमें, और जो चीनी जाएगी वो कम से कम एक कटोरी इसमें जाएगी। तो अभी मुझे ये थोड़ी सी कम लग रही थी इसलिए मैंने इसमें एक गिलास के आसपास पानी और ऐड कर दिया है, और अब हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं, तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो देखिए इसमें ना मैंने 5 छोटे चम्मच चीनी और ऐड करी है, क्योंकि मीठा कम हो गया था इसमें पानी ऐड करने के बाद। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई हरी इलायची, और चाशनी को हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये देखने में ऑयल जैसा ना लगने लगे, तो इसलिए हम फ्लेम को भी हाई रखेंगे अभी। और फटाफट से अब हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं इसकी। और इसमें ना हम 3 से 4 धागे केसर के डाल देंगे, ये डालने से जो इसकी चाशनी होगी इसका कलर और खुशबू बहुत ज़्यादा टेस्टी सी हो जाती है। और अब देखिए चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है, चिपचिपापन आ गया है इसमें, और देखने में भी ये बिल्कुल ऑयल जैसी लग रही है अब। और अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि अगर हमने गर्मा गर्म चाशनी के अंदर गुलाब जामुन ऐड कर दिए तो वो सारे एकदम पिचक जाएंगे, बिल्कुल मतलब डूब जाएंगे इसमें। तो गुलाब जामुन तो आपको पता ही कि कैसे देखने में और खाने में अच्छे लगते हैं, तो इसे हम थोड़ा गुनगुना होने तक वेट करेंगे चाशनी का। और 2 से 4 मिनट में देखिए ये सही टेम्परेचर पे आ गई है। अब हम इसमें एक एक करके सारे गुलाब जामुन ऐड कर देंगे, और अब इन्हें ना हम कम से कम 2 घंटे तक ऐसे ही चाशनी में डूबे रहने देंगे, और 2 घंटे के बाद हम इन्हें चेक करेंगे। तो देखिए 2 घंटे के बाद हमारे ये गुलाब जामुन बनके तैयार हैं। तो और अब गुलाब जामुन को भी देख सकते हैं ये पहले से डबल है, तो ये चाशनी में डूबने के बाद में काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाता है इनका। तो आप इसलिए थोड़े मतलब मीडियम साइज़ के ही गुलाब जामुन बनाएं ताकि बहुत ज़्यादा बड़े ना हो जाएं। तो इन्हें हम एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं, और अब हम अपने गुलाब जामुन को बिल्कुल हलवाई स्टाइल में करने के लिए थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, इसे गार्निश कर देते हैं कटे हुए बादाम से। आप पिस्ता से भी कर सकते हैं, काजू से भी, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप उससे इसमें मतलब गार्निशिंग कर सकते हैं। अब आप मुझे फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में इसे ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को तो ज़रूर हिट करिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलेंगे हम अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।